हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? चलिए आज एक बड़ी मजेदार चीज के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं, और वो है प्लांट्स। प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट या हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं। आज उन्हीं के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम लोग समझेंगे। हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, आईज, नोज, ईयर, माउथ, हैंड्स, फिंगर्स और बहुत सारी अलग अलग चीजें। वैसे ही प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो चलिए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ प्लांट, दिस इज एन प्लांट। इसे रूट्स बोलते हैं। रूट्स क्या बोलते हैं? रूट्स, रूट्स को, रूट्स का मतलब है जड़। ठीक है, कोई भी पौधा तभी लगेगा जब उसकी जड़ मजबूत होगी। ओके, इस पार्ट को बोलते हैं स्टेम। स्टेम, स्टेम, स्टेम का मतलब तना। तना। ओके, और ये ग्रीन कलर के क्या हैं? फुल। लीव्स। लीव्स का मतलब एल फॉर लीव्स। Leaves. और लीव्स का कलर क्या है? ग्रीन। ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। एंड जब प्लांट्स थोड़े से बड़े होते हैं तो उनमें आती हैं बड्स। बड्स, बी फॉर बड्स। और जब बड्स खिलेंगी, उन्हें सनलाइट मिलेगी, उन्हें पानी मिलेगा, उन्हें खाद मिलेगी, तब वो खिल के बन जाएंगे बहुत सुंदर सा एफ फॉर फ्लावर। एफ फॉर फ्लावर। और ये किस कलर की बड है? व्हाइट। व्हाइट कलर की। तो फ्लावर किस कलर का होगा? व्हाइट। वेरी गुड। सबसे पहले प्लांट्स में क्या आएंगी? रूट्स। इसमें से रूट्स कौन सी है, चूज करके बताइए। आइए इधर, इधर आइए, चूज कीजिए। इसमें से, इसमें से रूट्स, रूट्स कौन सी हैं? रूट। रूट्स कौन सी हैं? आर फॉर रूट्स। वेरी गुड। अब हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे अब रूट्स के बाद आती हैं स्टेम। स्टेम, एस फॉर स्टेम। स्टेम मतलब क्या होता है? तना। तना। अब आएंगे लीव्स। एल फॉर लीव्स। हम इसको कैसे चिकाएं? लीव्स के बाद आएंगी बड्स। जैसे बड्स कौन सी हैं? बड्स। बी फॉर बड्स। बी फॉर बड्स। और उसके बाद आएगा एफ फॉर फ्लावर। एफ फॉर फ्लावर। एफ फॉर फ्लावर। एफ फॉर फ्लावर। तो प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स हुए? आर फॉर, आर फॉर रूट्स। आर फॉर रूट्स। एस फॉर स्टेम। L for leaves, F for B for buds, and F for flowers.